हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज जा रहे हैं हम सियालदह टू एनजीपी। एनजीपी में एक कंपटीशन है, कैराटे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। मैं नहीं करूँगा, डरो मत, इस उम्र में मैं कैराटे नहीं करूँगा। मेरे साथ वाले घर में जो बच्ची रहती है उसका कॉम्पिटिशन है, तो हम लोग जा रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। तो उस वहाँ से एनजीपी से भी हमारा प्लान है, एनजीपी से दार्जिलिंग जाने का प्लान है। और ये देखो बहुत खूबसूरत लग रहा है फर्रुखाबाद, और उसके बाद भी एक जगह और जाने का प्लान है हम लोगों का। तो घूमेंगे फिरेंगे, आप लोगों को वीडियो डालेंगे। अगर इस तरह से देख कर तुम लोगों को अजीब सा लग रहा है कि वॉइस रिकॉर्डेड है, तो ट्रेन का अगर अंदर का तुम लोगों को हालत दिखाओ, क्यों मैं ब्लॉग नहीं करवा रहा था, तो ज़रा ये देखो। तुम लोग शायद इतना सुन नहीं पा रहा था, पर कोच में बहुत सा चिल्ला मिल्ली हो रहा था। बहुत सारे बच्चे थे ना, तो खेल रहे थे वो लोग, इसीलिए मैं ठीक से रिकॉर्ड नहीं करवा रहा था। फिर भी जितना हो सका उतना किया हूँ, और एनजीपी के उतर के भी सोचा था कि वीडियो करूँगा, पर हुआ नहीं। हो सब लोग ग्रुप में थे इसलिए, और थोड़ा सा नर्वस भी फील हो रहा था मुझे। पर होटल में जाके मैंने तुम लोगों के लिए वीडियो बनाया है, तो रूम टूर देख लो। ये रहा रूम टूर एनजीपी। हम जो होटल में रह रहे हैं उसका बाहर का, बाहर नहीं अंदर का नज़ारा, तो ज़्यादा व्यू नहीं है, कुछ भी व्यू नहीं है असल में। बट रूम भी दिलाते हैं, 450 करके लिया है। इधर तो रूम ही है, 26 नंबर पे ठहरे हम। ये है, इधर आए, एक टीवी दिखेगा, ये सामान रखने का जगह, वार्डरोब, ये एक मिरर, ओके, और ये तो है ये फ़ोन रखने की जगह, और ये है बेड, अच्छा ही है। और ये एक पंखा दिया हुआ है, और यहाँ से थोड़ा सा, और ये टॉयलेट है जो मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो यही है 450 का रूम, काफ़ी डिसेंट सा है। इसके बाद गए हम खाना खाने, और वहाँ पर बहुत थोड़ा सा मस्ती, वो भी देख लो ज़रा। खाना खाने के बाद हम लोग सीधा गए रूम पे, और वहाँ पर सब मिलके थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, आंडा मार रहे थे, चिल कर रहे थे थोड़ा सा। और उसके बाद अगले ही दिन हम लोगों को निकलना था, उन लोगों के कंपटीशन भी था। तो यहाँ से एकदम कंपटीशन वाले दिन का वीडियो ही तुम लोग देख पाओगे, अगला वीडियो जो मैं पब्लिश करूँगा। और एनजीपी जो इस होटल में था, देखो डिसेंट सा रूम है, छोटा छोटा एकदम कमरा है, 450 करके लिया है हम लोगों से। आई थिंक प्राइस डिसेंट था, और रूम भी काफ़ी डिसेंट था, इसलिए मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, और उसके बाद हम लोग का कंपटीशन वाला दिन था, उसके बाद हम लोग निकल गए थे एनजीपी दार्जिलिंग, और उसके बाद बिजनबाड़ी भी गए थे। तो उन सब का वीडियो आएगा। अगर उन सब वीडियो को तुम लोगों को देखना है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और ऑल बटन पे भी क्लिक कर देना जो बेल वाला नोटिफिकेशन होता है। और ये देखो मैं मूँछों पे ताव दे रहा हूँ, बाल भी सेट हो रहा है। ठीक है, देखते रहो, और भी मज़ा किया वीडियो आता रहेगा। और यहाँ पर मैं वापस तो आ चुका हूँ भाई, बहुत गर्मी हो रहा है यहाँ पर, ठंडे के जगह से एकदम गर्मी में आने का अलग ही मतलब वो होता है। तो तुम लोगों को दिखाता हूँ कि आगे क्या क्या हुआ, वो सब देखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना, और शेयर भी ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम और मोटिवेशन भी लगता है। तो बाय बाय।